महाराज भागवत किस प्रकार से श्रवण करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना। श्रीमद् भागवत के श्रोता, श्रवण करने वाले को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला है क्या? सबसे पहले वह सात्विक होकर के कथा को सुने, लहसुन प्याज का परित्याग कर दें और महाराज सात्विक भोजन, सात्विक आहार लेकर के भगवान की कथा को सुने, ताकि आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आए, आप हमेशा पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर हो। ठीक है। दूसरा, सत्य व्रत को धारण करने वाले हों इन सात दिनों में किसी के लिए भी। वैसे तो हमें पता है बिना झूठ बोले आप लोगों का काम चलता नहीं है, लेकिन ये सात दिन जब तक कथा चले तब तक किसी के लिए भी मिथ्या भाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो। यदि किसी के प्राण बचाने की बात आए तो वहां पर बोला गया झूठ सत्य में परिवर्तित हो जाता है, और यदि अनायास बोला गया झूठ है तो वह हमेशा पाप का ही भागी जीव बनता है। ठीक है। एक समय पलार लेकर कथा सुन सके, दी बेस्ट। ठीक है। दो समय पलार करके कथा सुनना चाहे, आपकी इच्छा। एक समय अन्न लेकर, एक समय भोजन करके कथा सुनना चाहे, वो आपकी इच्छा। ठीक है। लेकिन जो होता है नियम भाई, कई भक्त तो ऐसे केवल एक लौंग का जोड़ा खा करके भी कथा को श्रवण करते हैं, कई भक्त ऐसे केवल तुलसी का पत्ता, सात दिन तक केवल एक एक तुलसी के, सातों दिन सात तुलसी के पत्तों से ही सात दिन की कथा सुन करके यज्ञ पूर्ण होने पर ही अपना उपवास खोलते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों के द्वारा कथा श्रवण की गई है महाराज। इसलिए कथा के नियम है, किसी की बुराई नहीं करना सात दिन। हालांकि जीवन भर के लिए त्याग दो तो ये तो कहना ही क्या है। हाँ, कुछ भी हो, सामने वाले ने तुम्हारा बुरा भी किया है तो भी उसके बारे में बुराई नहीं करनी, क्योंकि हम ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो उसके किए हुए बुरे कर्मों को अपने खाते में जोड़ते चले जाते हैं और उसके खाते में आपके किए हुए पुण्य कर्म चले जाते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि महाराज इतना बुरा कर्म कर रहा है और उसके बाद भी इतने ठाट बाट से रह रहा है, क्योंकि वो बुरा कर रहा है इसलिए ठाट बाट से नहीं रह रहा, उसके बारे में चर्चा करने वाले, उसकी बुराइयों का भजन करने वाले आप जैसे लोग जो हैं महाराज, उसको अपना पुण्य देते जाते तो पुण्य मिलेगा तो राज्य बढ़ेगा ही उसका, उसके बारे में विचार करना छोड़ दो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।